वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिरासनी फूड सीक्रेट। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आज की हमारी रेसिपी है शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 kg चने की दाल ली है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको कुकर में डाल दें। तो अब इसमें शामिल कर लेते हैं पानी। मैं 1 गिलास पानी शामिल करने लगी हूँ। अगर आपके घर में ऐसा पानी है जिससे जल्दी कुक नहीं होती चीज़, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें। तो यहाँ पे प्याज शामिल कर दिए हैं दरमियान से कट लगा के, और कुछ जवे लहसुन के शामिल कर दिए, 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे शामी कबाब मसाला लेने लगी हूँ, आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून भर भर के इसमें शामिल कर देनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, हर कोई इसको इजीली बना सकता है। तो अब हम कुकर लगा देते हैं 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, कुकर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक दाल गल चुकी है और थोड़ा सा पानी रह गया है। इस पानी को खुश्क करने के लिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया है एक खुले बर्तन में, और इसको साथ साथ मैश करते जाएंगे और ये खुश्क भी हो जाएगा, अच्छी तरह पानी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें बैटर काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब हमने 2 अंडे शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए फ्रीज़र में रखने के बाद काफ़ी मसाला सेट हो चुका है। तो अब हम इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए गोल शेप कबाब की बना ली, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बैटर सेट हो गया है। तो इस तरह आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। तो तवे पे फ्राई करने से कुकिंग ऑयल बहुत कम लगता है, मैंने फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो आप बहुत ही कम कुकिंग ऑयल में तवे पे फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई करना चाहें तो आपने अंडे पे पहले ब्रेड का यूज़ करना है, ब्रेड क्रम्स का अंडे में डिप करके फिर आपने डीप फ्राई करना है उस तरीके से। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, आपने अंडे पे डिप नहीं करना इनको, तो सिंपल इस तरह फ्राई करना है। तो आपने तवे पे करना है, बहुत ही अच्छा फ्राई होगा और कम ऑयल यूज़ होगा। और इस पे कलर आ गया है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं।